जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का दिनेश सराय टीम में एक बार बहुत स्वागत है। जैसे आप लोग पता है, हम जब भी आते हैं कोई नई जानकारी नई अपडेट के साथ आते हैं। अब मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि सर क्या हम जियो गैस फैसिलिटी उसको ज्वाइन कर लेते हैं, और यदि कोई परमानेंट आ जाता है तो हम क्या वहाँ से हमको हटाना पड़ेगा या हमको हटा देंगे। तो इस संबंध में वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए नए आए तो आप लोग कुछ हमारा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ना भूलें। अब देखिए क्या होता है कि आप जब ज्वाइन कर लेते हैं किसी भी आईटी में तो आपको किस कंडीशन में हटा सकते हैं, वो मैं इसमें आपको वीडियो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है, मान लो आपने किसी भी आईटी में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ज्वाइन जैसे कर लिया आपने, अब कुछ आवेदकों का सवाल ये भी कि सर जो अभी नई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है टीओ का परमानेंट वालों का, तो उनकी ज्वाइनिंग कब तक होनी है। ठीक है, उनकी कब तक होगी, यदि वो आ जाते हैं तो हमको हटना पड़ेगा क्या। ठीक है, तो ये कुछ मन में डाउट है, कुछ सवाल है सभी के। तो फिर ये बता दूँ मैं, अब मान लो कोई ज्वाइन आपने ज्वाइन कर लिया मान लो आज, ठीक है, और एक महीने बाद या छः महीने बाद कोई परमानेंट आ जाता है आपकी जगह पर। ठीक है, चाहे वो ट्रांसफ़र हो के आए चाहे वो रेगुलर हो के आए। ठीक है, तो अब उसकी उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसमें जो नियम हैगा ये भी, आप जब आप ज्वाइन करते हो आईटी किसी भी आईटी में तो आपको एक ज्वाइन लेटर दिया जाता है, उसमें लिखा रहता है कि यदि कोई टीओ आपकी जगह पर जाता है परमानेंट तब आपको हटना पड़ेगा। दूसरी बात है, जब जो सेशन जैसे कंप्लीट हो जाता है जो आईटी जो सेशन रहता है तब भी आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, या मान लो जो आपका 11 महीने हैं, जो आपके 11 महीने होते हैं, जो 11 महीने तक रखते हैं आपको, तो 11 महीने आपके पूरे हो जाते हैं तब भी आपको हटना पड़ सकता है। यानी तीन जो कंडीशन है उन तीन कंडीशन में आपको आईटी से हटना पड़ सकता है या हटाया जा सकता है। तो अब आपको सवाल ये होगा कि सर अभी जो परमानेंट होगी, जैसे अभी पेपर हुए एग्जाम हुए 2022 में और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, यदि उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो उनका अभी ज्वाइनिंग का कोई निश्चित नहीं है कब ज्वाइनिंग होनी कब ज्वाइनिंग नहीं होनी, लेकिन जब भी उनका ऑर्डर आ जाता है ज्वाइनिंग करने का तो वो ज्वाइनिंग करने आते हैं, तो उस समय आपका चाहे एक महीने हो चाहे आपके छः महीने हो चाहे एक साल हो, तो उस समय आप वहाँ पर हटना पड़ सकता है। तो ये पहले जब आप ज्वाइनिंग करते हैं उस समय आपको दे दी जाता है ज्वाइनिंग लेटर, उसमें लिखा रहता है ज्वाइनिंग लेटर में, ताकि आप लोग समझ सकें। तो ये कुछ अभी तक डाउट था तो हमने क्लियर कर दिया आप लोगों, ताकि आप लोगों को समझ सकें और आप लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी साथ। आप लोग हमारी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते हैं, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी साथ। ओके।